हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस, आज है संडे और आज आप लोग क्या तैयार हो सुपर संडे टेस्ट के लिए? इस सुपर संडे टेस्ट में क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ था, जो आपके टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, उसी के दौरान जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वहीं से आज क्वेश्चन आने वाला है। यानी मैंने पहले ही बताया हुआ था, टेस्ट एक से लेकर टेस्ट पाँच तक, ठीक है, मॉर्निंग में जो आपका टेस्ट चलता है वन लाइनर टेस्ट, टेस्ट एक से लेकर टेस्ट पाँच तक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। उनमें टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी आज के इस 50 क्वेश्चंस में से आपको 50 मार्क्स आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि आपको उसको प्रैक्टिस करके रखना है, आपको रिवाइज करके रखना है। अगर आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बार पढ़ लिया उसके बाद आपने कभी उसको पलट के नहीं देखा तो इससे आपको सक्सेस नहीं मिलती है, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज है आपका सुपर संडे टेस्ट, आप सभी को मार्क्स अपना अपडेट करना है, कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट है 50 out of 50 आना ही चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आज सुपर संडे टेस्ट का है टेस्ट वन, यानी आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इसको वीकली कंटिन्यू करेंगे और वीक में जो भी चीज़ आप पढ़ोगे उसी का यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबों को ये टेस्ट बहुत ही हेल्प करेगा अपने आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सिनेमा का आविष्कारक कौन है? सिनेमा का आविष्कारक कौन है? देखो, आज मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी इंक्लूड किया, यानी आपको पूरा एग्जाम वाला फीलिंग आने वाला है, ठीक है। आपने वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ा लेकिन यहाँ आप ऑप्शन के साथ आंसर करोगे। तो सिनेमा का आविष्कारक कौन है? जीन लुटियंस, एडवर्ड थॉमस, मार्टिन थॉमस, जॉन नेपियर, जल्दी बताओ कौन है। तो ये है जीन लुटियंस। सिनेमा के आविष्कारक कौन है? जीन लुटियंस, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ था निकोलस और जीन लुटियंस, तो एक और नाम है यहाँ पे, ये है निकोलस, ठीक है। निकोलस और जीन लुटियन ने मिलकर सिनेमा का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? गुप्त, कुषाण, सातवाहन, यूनानी, किसने चलाई भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं? जल्दी से आंसर करो। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी प्रथम स्वर्ण मुद्राएं। अगला क्वेश्चन, मकाओ की मुद्रा क्या है? मकाओ की मुद्रा क्या है? तो मकाओ की मुद्रा है पटाका। क्या है मकाओ की मुद्रा? मकाओ की मुद्रा है पटाका। अगला क्वेश्चन, सुंडा जल डमरू जावा तथा डैस के बीच स्थित है? सुंडा जल डमरू जावा और किसके बीच स्थित है? होंसु, डियागो गोर्सिया, शागोस या सुमात्रा, किसके बीच स्थित है? जावा और किसके बीच स्थित है सुंडा जल डमरू? तो यह है सुमात्रा। जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जल डमरू स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, लंदन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, और मुंबई। तो इंडिया हाउस लंदन में है। अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? चार ऑप्शन है आपके, यूरेनियम, मैग्नीशियम, थोरियम और कैल्शियम, जल्दी बताओ मोनाजाइट किसके अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके चार ऑप्शन है, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, गुलबर्गा, मदुरई, परामबूर। तो ये था गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? ये थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी? सिख गुरु गुरु नानक की। अगला क्वेश्चन है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोकक झरना कहाँ स्थित है? गोकक झरना कहाँ स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। तो गोकक झरना कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा गोकक झरना बेलागावी में स्थित है, कर्नाटक बेलागावी। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? 1948, 1950, 1880, 1895। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ। अगला क्वेश्चन, बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की? बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की? मुगल, पेशवा, राष्ट्रकूट, सिराजुद्दौला। तो बेसिन की संधि पेशवा के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, अगरतला। ध्यानचंद स्टेडियम है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। कहाँ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। किससे संबंधित है टी शब्द? ये संबंधित है गोल्फ से। अगला क्वेश्चन, ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय, अरुण शौरी, आर के नारायण, शशि थरूर। कौन है ए सर्कुलर एजेंडा? तो ए सर्कुलर एजेंडा के लेखक हैं अरुण शौरी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया? मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया? 1968, 1965, 1950 और 1971। कब किया गया मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु? ये किया गया 1968 में। अगला क्वेश्चन, श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रधान कार्यालय कहाँ था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रधान कार्यालय पूछा जा रहा है। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग का होम रूल का प्रधान कार्यालय कहाँ था? ये था आरडीआर। आपको पता होना चाहिए श्रीमती एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो कहाँ की थी? वो मद्रास में की थी, ठीक है, मद्रास चेन्नई। तो वहीं पे आरडीआर में उनका प्रधान कार्यालय था। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप किसने बनवाया? सांची स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन है अशोक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव का वध किसने करवाया था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, शाह आलम द्वितीय। गुरु अर्जुन देव का वध किसने करवाया था? तो आपका सही आंसर है अर्जुन देव, जहांगीर। अर्जुन देव का वध जहांगीर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहां थी? चार ऑप्शन है, फैजाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद, हैदराबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहां थी? ये थी फैजाबाद। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा गया था, किसके द्वारा? वीडी सावरकर, गांधी जी, विंस्टन चर्चिल, चित्तरंजन दास। तो आपका सही आंसर है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने ही 1857 के क्रांति को प्रथम भारतीय संग्राम कहा था या स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? यह होता है 5.5 औंस। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? पाटलिपुत्र, यरूशलेम, बेबीलोन, काबुल। आसान सा क्वेश्चन है, बेबीलोन में हुआ था। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है?
तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? द मेकिंग ऑफ महात्मा इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफा कहां स्थित है? चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। बाघ गुफा कहां स्थित है? तो बाघ गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ओजोन चांदी तथा डैश धातु को प्रभावित करती है? ओजोन जो है यह चांदी के साथ साथ और किस धातु को प्रभावित करती है? पारा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम। ओजोन चांदी और पारा को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, विंटर ओलंपिक खेल कब आरंभ हुआ? विंटर ओलंपिक खेल कब आरंभ हुआ? तो विंटर ओलंपिक खेल 1928, 1930, 1901, 1924 कब आरंभ हुआ? 1924 में आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह एक स्टेटमेंट है, किसका है? जल्दी बताओ, ये स्टेटमेंट है कॉर्नवालिस का। किसका स्टेटमेंट है? कॉर्नवालिस का। अगला क्वेश्चन, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह स्टेटमेंट किसका है? बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह स्टेटमेंट किसका है? वर्ड्सवर्थ, सैमुअल कोहेन, जॉन रिचर्ड, शेक्सपियर। तो यह स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ का है। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950, 1951, 1948, 1952। दामोदर नदी घाटी की स्थापना किस वर्ष हुई? दामोदर नदी घाटी की स्थापना ये 1948 में, इस परियोजना की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, कहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन, डीगो गोर्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी सागर, ठीक है, दक्षिणी महासागर और अटलांटिक महासागर। जल्दी बताओ, डीगो गोर्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डीगो गोर्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ? भारतीय प्रशासनिक सेवा किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेसली, डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। किसके काल में भारतीय प्रशासनिक सेवा आरंभ हुई? जल्दी बताओ, तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में भारतीय प्रशासनिक सेवा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, होगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? होगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, हेमवती, घाटप्रभा। होगेन काल, होगेन काल, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज का माप कितना होता है? 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट। पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज, क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज का माप कितना होता है? तो क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज का माप 4 फुट होता है। अगला क्वेश्चन, शब्द फ्यूहरर किससे संबंधित है? शब्द फ्यूहरर किससे संबंधित है? हिटलर, नेपोलियन, कार्ल मार्क्स, समुद्रगुप्त। आसान सा क्वेश्चन है, फ्यूहरर हिटलर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कराची जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम, त्रिपुरा। कराची जनजाति, तो कराची जनजाति असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? तो क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया। अगला क्वेश्चन, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहां स्थित है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहां स्थित है?
तो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है, और इंडोनेशिया में कहाँ है, इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश एरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जापान व चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या कहलाता है, जापान व चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है, हरिकेन, टाइफून, नहीं टाइफून, ठीक है, टाइफून, हुदहुद और रुम्बिया, क्या नाम है, तो इसका नाम है टाइफून। क्या है सही आंसर, टाइफून। जापान, चीन और फिलीपींस, इन तीनों एरिया में जो साइक्लोन चलती है उसका नाम है टाइफून। अगला क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, चीन, अमेरिका, जापान, भारत, गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश है चीन। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी है, दूधसागर, बरकाना, गुरसप्पा, नोक्लिकाई, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है गुरसप्पा, जोग या गुरसप्पा। अगला क्वेश्चन, उमानंद आज इसको मोरों की धरती कही जाती है किस राज्य में अवस्थित है, उमानंद जिसको आज मोरों की धरती कही जाती है किस राज्य में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तो सही आंसर है असम, उमानंद असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अलास्का की धारा किस महासागर की धारा है, अलास्का की जलधारा किस महासागर की जलधारा है, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, आर्कटिक, बताइए, तो यह है प्रशांत की, अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आपका टॉप 50 क्वेश्चंस जो मैंने लेने की कोशिश किए आपके प्रीवियस टेस्ट से। इसमें कुछ क्वेश्चंस बेहद आसान थे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे रैंक के थे, ठीक है, ये आज का पहला टेस्ट था, ठीक है। आई होप कि इसमें आप सभी का जो स्कोर होगा वो 50 आउट ऑफ 50 होगा, क्योंकि आप सब ने बहुत मेहनत किया है। अगर नहीं किया है अभी भी सीख लो अपने गलतियों से, और अगले वीक से तैयार रहना पूरे डट के, पूरे हिम्मत के साथ, आपको 50 में 50 लाना है, इतना आपको तैयारी करना है। अगले वीक का जो टेस्ट होगा वो होगा टेस्ट 6 से लेकर टेस्ट 10 तक, 6 टेस्ट से लेकर 10 नंबर टेस्ट तक का आपका टेस्ट अगले संडे को होगा, तो आप सभी उसके लिए तैयार रहना। और आज आपको कितना मार्क्स आया, देखो मेरा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50, लेकिन आपको जेन्युइनली कितना आ रहा है वो आप सभी अपडेट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलो फिर से मिलते हैं कल अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।